हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेंस प्रेप जीपीएससी में। तो दोस्तों, अपना जो प्री है वो अपना नजदीक आते जा रहा है, 4 महीने का ही समय बचा है। तो अपन आज स्टार्ट करें छत्तीसगढ़ पंचायती राज। तो ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज है, तो ये जो अपना प्री है 2015 से छत्तीसगढ़ पंचायती राज में क्वेश्चन पूछना शुरू किया है। उससे पहले 2013 2014 का जो प्री हुआ है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। तो 2015 से 2016 2017, तो ये जो 3 प्री हुए हैं तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ जो व्यापम का एग्जाम है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज है, तो इसका जो बेसिक चीजें हैं, जो इससे रिलेटेड जो समितियां रही थी, जो पंचायती राज को लाने के दिशा में कार्य किया था जिन्होंने, और इसके साथ जो छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अधिनियम है 1993, तो इससे रिलेटेड जो अपना जो भी अपना अध्याय है उसका ऊपरी ज्ञान आज लेने वाले हैं। और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है 2015 16 17, तो प्री में जो जो क्वेश्चन पूछे हैं वो डिस्कस करेंगे, ताकि अपने को पता चल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन है अब डिटेल में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि 7 8 ऑप्शन दे दे रहे हैं क्वेश्चन में, उसमें से पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा गलत है। ओके, तो अपने को जब डिटेल में नॉलेज रहेगा, एक एक धाराएं उसमें क्या क्या प्रावधान है, तभी हम उस क्वेश्चन को बना पाएंगे, नहीं तो फिर वो अपने अपन नहीं बना पाएंगे उस क्वेश्चन को। ओके, तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज है, तो इसके लिए अपन 3 से 4 लेक्चर, इसके बाद या इंट्रोडक्शन है उसका 3 से 4 क्लास लगेगा, जिसमें अपनी सारी चीजें अपना क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद अपन छत्तीसगढ़ का जो म्यूनिसिपालिटी एक्ट है 1961, तो वहां का भी देखेंगे, क्योंकि इस बार जो 2017 है तो उसका जो प्री हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन जो नगर पालिका अधिनियम 1961, तो वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी अपन देखेंगे जब छत्तीसगढ़ पंचायती राज खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है 24 अप्रैल, तो ये आपको पूछ सकते हैं कि पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993, तो उस दिन क्या हुआ था, जो अपना 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से रिलेटेड है, तो उसे पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, जो भारत का राजपत्र है तो उसमें ये प्रकाशित हुआ था पंचायती राज का जो एक्ट है, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और जो सबसे पहले जो भारत शासन अधिनियम है, ओके 1993, तो इसमें सबसे पहले पंचायतों का प्रावधान किया गया था। और जो अपना डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें जो आर्टिकल 40 है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 40, तो ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। तो इसमें प्रावधान है कि जो राज्य सरकार है वो ग्राम पंचायत का गठन करेगा और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करेगा, जिससे वो स्थानीय स्तर पर कार्य कर सके। तो बेसिकली जो पंचायती राज है वो क्या है, स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण है, ओके, तो उन्हें कर लगाने की शक्ति प्रदान करना। ओके, तो इस प्रकार से जो स्थानीय स्तर पर जो सत्ता का विकेंद्रीकरण, ओके, तो ये जो विकेंद्रीकरण है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, यही जो स्थानीय स्वशासन, तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। ओके, तो ये जो पंचायती राज है, तो ये स्थानीय स्तर पर सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, यही पंचायती राज है। ओके, तो जो इसमें आगे देख सकते हैं अपन, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1993 का, तो उसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इसमें पंचायत के जो भाग 9 है, तो संविधान में भाग 9 इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक पंचायत के संबंध में प्रावधान किए गए। और संविधान में अनुसूची 11 का भी प्रवेश हुआ। इसमें पंचायती राज से रिलेटेड 29 विषय दिए गए हैं। तो आपको पूछ सकता है प्री में कितने विषय इससे रिलेटेड। ओके, और जो अनुच्छेद है, तो जो पंचायत से अनुच्छेद है, तो ये अपने को ध्यान में रखना ही है, याद होने ही चाहिए अपने को। तो आर्टिकल 243 हो गया, उसमें परिभाषाएं दी गई है। उसके बाद आर्टिकल 243 ए, तो उसमें ग्राम सभा की जो शक्ति है, तो ये आर्टिकल 243 ए, तो ये आपको पूछ सकता है कि ग्राम सभा, तो ग्राम सभा के विषय से रिलेटेड जो अपना संविधान, भारत का संविधान है, तो उसमें भाग 9 में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 243 ए। ओके, उसके बाद आर्टिकल 243 बी सी डी, तो आपको कोई भी आर्टिकल उठा के पूछ सकता है, जैसे कि अपना प्री में पूछ चुका है कि 243 डी। ओके, तो ये जो आरक्षण दिया जाता है SC ST, ओके, तो ये जो आरक्षण दिया जाता है आर्टिकल 243 डी के तहत दिया जाता है। और जो सी है उसमें कंपोजिशन है, पंचायत का जो गठन है वो कैसे होगा,
उसके बाद ई आता है, ओके, तो ई में कार्यकाल है, एफ में निर्भरताएं हैं, जी तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है अपना पंचायती राज से रिलेटेड, जो भारत के संविधान में तो आर्टिकल 243 जी, तो इसमें जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको शक्तियां प्रदान की गई, तो पंचायतों की शक्तियां आर्टिकल 243 जी है। उसके बाद आता है एच, आई और जे, तो एच में कर लगाने की शक्तियां प्रदान की गई है पंचायतों को, और जो आई है तो ये राज्य वित्त आयोग, ओके, तो ये राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के संविधान में राज्य वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो ये आर्टिकल 243 आई है। इसके बाद जे में जो अंकेक्षण है, ऑडिटिंग, अकाउंट एंड ऑडिटिंग के बारे में है, ओके, और जो इसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वह है के, ठीक है, आर्टिकल 243 के, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग, ओके, तो जो निर्वाचन से संबंधित अपना आर्टिकल है, निर्वाचन से संबंधित वो आर्टिकल 243 के है, ओके, तो ये सारी आर्टिकल जो अपने को याद रखना है, क्योंकि अपने को कोई भी आर्टिकल है वो उठा के पूछ सकते हैं, तो इससे क्या है अपन प्री में या तो आगे बढ़ सकते हैं अगर हमें याद है, और कंपटीशन में अगर पीछे हो जाएंगे अगर हमें ये प्रावधान जो है अपने संविधान में, तो ये सारी चीजें अपने को याद रहेगी तो अपन चीजों को बना पाएंगे और कंपटीशन में अपन प्री निकालने में सक्षम हो पाएंगे। अब इसके बाद जो पंचायती राज से रिलेटेड समितियां हैं, ओके, तो इसमें कुछ समितियां हैं, जिसमें पहला समिति है बलवंत राय मेहता समिति, ओके, तो ये 1957 का समिति है, तो इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, जैसे ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होना चाहिए, और जो जिला है तो उसमें जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए, और जो जिला परिषद है उसका जो मुख्य अधिकारी होगा वो जिलाधिकारी होगा, ओके, तो इस प्रकार जो बलवंत राय मेहता समिति है इसने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, और इसी के तहत जो अपना 2 अक्टूबर 1959, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू समय जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत में जो राजस्थान का जो नागौर है, नागौर जिला है, तो वहां से पंचायती राज व्यवस्था का स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद सेकंड जो आता है अशोक मेहता समिति, ओके, तो जो अशोक मेहता समिति है 1977-1978, ओके, तो इस टाइम की समिति है, तो इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, और उसमें जिला स्तर पर अपना जिला परिषद और उसके नीचे एक मंडल समिति, ओके, तो जो मंडल पंचायत है, जो 15,000 से 20,000 जो गांव की आबादी है वहां मंडल पंचायत होगा और जिला स्तर पर जिला परिषद होगा, तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। साथ ही साथ जो पंचायत से रिलेटेड समिति है तो उसमें जो सामाजिक अंकेक्षण है, ठीक है, सोशल ऑडिटिंग, तो उसकी सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, ताकि जो जनता है उसको पता चल सके कि उनका जो पैसा है कहाँ जा रहा है, उसका सही उपयोग हो पा रहा है कि नहीं, ओके। इसके बाद आता है अपना जीवीके राव समिति, तो ये 1985 का समिति है, तो इसमें इन्होंने कहा कि जो पंचायत है उसमें नियमित चुनाव होने चाहिए, ओके, और जिला विकास आयोग, तो इसका पद का सृजन करने की मांग की थी जीवीके राव ने, ओके। इसके बाद आता है एल एम सिंघवी समिति, ये 1987 का समिति है, और इसने कहा कि जो ग्राम पंचायत है उसको आवश्यक जो आर्थिक संसाधन है, तो इन्हें ज्यादा आर्थिक संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि वो जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन है उसको अच्छे से संभाल पाए शासन को, और जो पंचायत है उसको संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी, और जो गांव का समूह है उसके लिए न्याय पंचायत के गठन की भी मांग की थी एल एम सिंघवी समिति ने, ओके। तो ये आपको क्रम पूछ सकते हैं प्री वगैरह में, ओके, सन पूछ सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957, इसके बाद आया अशोक मेहता समिति, ओके, तो ये सभी पंचायती राज से रिलेटेड समितियां हैं। इसके बाद आया जीवीके राव समिति 1985, फिर एल एम सिंघवी समिति 1987, ओके, तो इसके बाद आता है थुंगन समिति है, ओके, थुंगन समिति, तो ये क्या है अपना 88 का समिति है, ओके। इसके बाद आता है अपना गाडगिल, ओके, तो ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि 1988 ये दोनों समितियां आई थी, तो ये दोनों भी पंचायती राज से रिलेटेड है, आपको पूछ सकते हैं क्रम पूछ सकते हैं, ओके। और जो थुंगन समिति है इसने कहा था कि महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ओके, जैसा कि सबसे पहले जो अशोक मेहता समिति है, तो इसने कहा था कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो उनको उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान करना चाहिए, उनके जो क्षेत्र है निर्वाचन क्षेत्र वहां अशोक मेहता समिति ने, तो जो थुंगन समिति ने महिला आरक्षण के बारे में कहा था कि महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान करना चाहिए थुंगन समिति ने, ओके। और राज्य वित्त आयोग का गठन के बारे में बात की थी थुंगन समिति ने,
और जो पंचायत का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होना चाहिए, तो इसकी बात सुंदन समिति ने की कहा था। और जो गाडगिल समिति है तो इसने जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ओके, तो वो कैसे अच्छे से कार्य कर पाए उसके बारे में इन्होंने सिफारिश की थी ओके। तो ये अपना हो जाता है जो पंचायती राज से रिलेटेड जो समितियां हैं ओके। तो ये आपको पूछ सकता है किसी एग्जाम में इसके बारे में क्या है ओके। तो ये हो गया। अब अपन देखेंगे जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है 1993, तो आपको डायरेक्टली पूछ सकता है इसमें कितना अध्याय है, तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक है, लेकिन बीच में अध्याय 6 का भी है और अध्याय 14 का भी है ओके। और इसमें जो धाराएं हैं वो 1 से 132 तक धाराएं हैं ओके। इसमें भी बीच में जैसे कि 61 क से 61 छ तक है और 129 क से 129 छ तक भी बीच में और आर्टिकल है, मतलब धाराएं हैं सॉरी। और जो अनुसूची, इसमें 4 अनुसूची है ओके। तो आपको पूछ सकता है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी अनुसूची है, तो 4 अनुसूची है। और जो अध्याय 1 है उसका नाम प्रारंभिक है 1 एंड 2। अध्याय 2 है तो उसका क्या नाम है, ग्राम सभा के बारे में है ये। और जो अध्याय 3 है तो ये पंचायतों की स्थापना से संबंधित है, इससे रिलेटेड जो धाराएं हैं वो है धारा 8 से लेकर के 41 तक ओके। तो जो पंचायतों की स्थापना, तो इसी में आर्टिकल 21 है, तो इसमें अविश्वास प्रस्ताव के बारे में ओके। तो ये आपको पूछ सकता है अविश्वास प्रस्ताव कौन से आर्टिकल में है, इसके बाद है आर्टिकल 21 ए ओके। तो ये क्या है अपना, जो अपना आता है राइट टू रिकॉल वाला ओके। जो पंचायत पदाधिकारी है उसको वापस बुलाया जाना, तो इससे रिलेटेड है आर्टिकल अपना 21 ए। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये जो प्रावधान, इसको हम अपन जो धाराएं हैं वो डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद है निर्वाचन का संचालन 42 से 43। इसके बाद है पंचायत कामकाज संचालन एवं सम्मिलन ओके। तो इसी में आर्टिकल 46 और 47 है ओके। तो इसमें जो ग्राम पंचायत है और इसमें जो जनपद पंचायत और जिला पंचायत ओके। तो इससे रिलेटेड जो स्थायी समितियां होती है ओके, वो कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या समितियां होती है, वो सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद है अध्याय 6, तो इसमें पंचायतों के कृत्य है 14 एंड 61, कॉलोनी निर्माण 6 का। उसके बाद है पंचायत निधि एवं संपत्ति 62 से 68 तक। इसके बाद है 8वां अध्याय पंचायतों की स्थापना से रिलेटेड है। 9वां अध्याय है कराधान एवं दावों की वसूली। 10वां है नियंत्रण ओके। तो ये जो नियंत्रण है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ चुका है जो आर्टिकल 90 है ओके। तो जो पंचायत है और जो अन्य संस्था है उसमें अगर विवाद होता है तो उसका फैसला कैसे होगा, तो ये आर्टिकल 90 में है। तो इसमें क्या है, जैसे कि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद होगा ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा था, पंचायत और जो छावनी बोर्ड है उसके मध्य अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा कैसे होगा। तो इसमें क्या होता है, जो राज्य सरकार है वो जो केंद्र सरकार जो उसको परामर्श देते हैं उसके आधार पर राज्य सरकार निर्णय लेता है। तो ये क्वेश्चन पूछ चुके अपने को। इसके बाद है 11वां अध्याय नियम एवं उपविधियां। 12वां है शास्तियां, तो शास्तियां को इंग्लिश में पेनाल्टी बोलते हैं ओके। इसके बाद है 13 प्रकीर्ण। 14 है संपरीक्षा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है अपना जो अध्याय है वो कौन सा है, 14 का। तो इसमें क्या है, जो अनुसूचित क्षेत्र है तो यहाँ का जो पंचायत होता है तो इसके संदर्भ में विशेष प्रावधान होते हैं, इनके लिए थोड़े अलग प्रावधान होते हैं ओके। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल 129 क से 129 च तक है। तो इसमें विशेष उपबंध जैसे क्या हो जाते हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र है तो वहां जो पंचायत की बैठक होती है ग्राम सभा की, तो उसमें सरपंच या पंच, मतलब सरपंच या उप सरपंच, मतलब अध्यक्षता नहीं करता, जबकि जो अनुसूचित क्षेत्र है तो उसकी जो अनुसूचित क्षेत्र का जो व्यक्ति है जो बहुमत द्वारा चुना जाता है वही ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं वहां ओके। और अध्याय 15 है निरसन ओके। तो ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितने अध्याय हैं, धाराएं हैं, अनुसूची है ओके। तो अपन देख सकते हैं जो पिछला जो क्वेश्चन आया वो अपन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो इस बार जो 2017 का प्री हुआ है उसमें जैसे कि 4 क्वेश्चन पूछे थे, तो पहला पूछा था कि यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है तो क्या होगा। तो क्या होता है, जब जिला पंचायत के जो अध्यक्ष है उसको निलंबित कर दिया जाता है तो जो बाकी सदस्य गण है वो नया चुनाव कराते हैं ओके। तो सदस्य गण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं फिर से, तो ये इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद पूछा था कि जो ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, तो जब अपन ग्राम पंचायत में आएंगे पंचायतों की स्थापना तो इसमें ये चीजें आ जाएंगी। तो जब सरपंच का चुनाव लंबित होता है तब क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है जो नया सरपंच बनेगा।
इसके बाद है, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। तो इससे रिलेटेड चीजें भी अपना धाराएं पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा कि यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहता है तो मतदान स्थगित हो जाता है, और एक से ज्यादा जो अभ्यर्थी है वो है तो मतदान स्थगित नहीं होता है। इसके बाद पूछा था कि जो पंचायत चुनाव के विषय में क्या सही है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन दे दिया था उसमें कौन कौन सा सही है। ओके, तो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया था। तो ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो बताने का उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है और उसे अपन कैसे देखते चलेंगे। ओके, 2016 में जैसे अभी बता रहा था कि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद है तो उसका निर्णय कैसे होगा। ओके, तो अपन देख लेते हैं जो धारा 90 है उसके तहत, और खंड एवं जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो ये जारी करना किसका कार्य है, राज्यपाल का। ओके, और अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के बारे में है। ओके, अनुसूचित क्षेत्र में जो पंचायत की शक्तियां इसके बारे में। इसके अलावा लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा था कि जो ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो सरपंच किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है। ओके, तो सरपंच कलेक्टर के समक्ष अब इसकी जो वैधता है अविश्वास प्रस्ताव। ओके, तो जब अविश्वास प्रस्ताव पढ़ेंगे तो ये चीजें आ जाएगा कि सरपंच कलेक्टर के समक्ष जो इसकी वैधता को चुनौती देता है। ओके, और 2015 में भी इससे रिलेटेड चार क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें एक क्वेश्चन था कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है तो पंचायत चुनाव में जो मतपत्र का रंग निर्धारित करता है तो उसको मिलाना था कि पंच के लिए कौन सा कलर है, सरपंच के लिए कौन सा कलर है, ऐसे क्वेश्चन है। तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन के अध्यक्षता कौन करता है। ओके, तो जो अपन देखे थे अभी, और पूछा है कि ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है और ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है। ओके, तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है, सही नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, सही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पूछ रहे आपको गलत है। ओके, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइड में कि आपको कंफ्यूज मत होगी, क्या पूछ रहे हैं, कि सही है पूछ रहे हैं कि गलत है क्या पूछ रहे हैं, तो आप साइड में लिख सकते हैं गलत है यह पूछ रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को, अगर कई बार क्या होता है अपने को सही आंसर पता भी होता है तो भी क्वेश्चन समझ नहीं पाने के कारण गलत अपन आंसर लिख के आ जाते हैं। ओके, तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन अपना पूछा ही जा रहा है, जो अपना छत्तीसगढ़ पंचायती राज है। तो नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे, एक एक जो धारा है उसको देखेंगे डिटेल में। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन अपना पूछा जाता है। तो दोस्तों, अपना जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज है तो ये इसका इंट्रोडक्शन यही कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।